अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, उसकी दो टाइप्स क्या होती हैं और फ्रीलांसिंग जो है वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म से की जाती है। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। फ्रीलांसिंग इज अ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बिजनेस। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। प्लंबर्स एंड इलेक्ट्रिशियंस आर आल्सो फ्रीलांसर्स बिकॉज दे आर हायर्ड फॉर सम डेज टू वर्क ऑन अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। तो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होती है कि इस तरह का आप कह लें कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड स्टेटस होता है आपका, जिसमें आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं और उसके बदले आपको डेडलाइन दी जाती है कि इतने अरसे में आपने ये काम करके देना है और उसके अलावा आपकी पे तय शुदा होती है। उसके बाद आप क्लाइंट को अपना काम दिखाते हैं, आप डिलीवर करते हैं उसका ऑर्डर, और अगर वो ऑर्डर क्लाइंट को क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है तो आपकी पेमेंट आपको वसूल हो जाती है। तो ये इसी तरह है जैसे दिहाड़ीदार या कोई कारपेंटर है या कोई प्लम्बर है, तो उसको आप बता दें कि आपने इतने दिनों में ये वॉशरूम बना देना है या आपने इतने दिनों में इस स्पेसिफिक जगह की वायरिंग कर देनी है, और जैसे वो वायरिंग हो जाती है वो चंद दिन बाद उसके उसको पैसे दे दिए जाते हैं और उसका काम खत्म हो जाता है। इस सारे सिलसिले को हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। फ्रीलांसिंग के लिए आपको अपने स्किल्स बेचने पड़ते हैं, स्किल्स अपनी सर्विसेज बेचनी पड़ती हैं, और इन सर्विसेज को फाइवर पे गिग का नाम दिया जाता है। फ्रीलांसिंग बहुत सारी वेबसाइट्स के थ्रू होती है, एप्लीकेशंस कह लें, वेबसाइट्स कह लें, प्लेटफॉर्म्स टू बी एग्जैक्ट, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कह लें। तो उनमें टॉप टू है फाइवर और अपवर्क। अपवर्क बहुत ही हाई प्रोफाइल है और फाइवर बिगनर्स के लिए बेस्ट है। ये भी अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना चाहिए, स्पेशली एज अ बिगनर। अब फ्रीलांसिंग की हम बात करें तो दो टाइप्स है, माइक्रो फ्रीलांसिंग और मैक्रो फ्रीलांसिंग। मैं आपको हमेशा मैक्रो फ्रीलांसिंग ही रिकमेंड करूंगी, लेकिन इन केस आपके पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है या आप एज अ बिगनर इतना कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर आप माइक्रो फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकते हैं। आइए देखते हैं कि दोनों है क्या। माइक्रो फ्रीलांसिंग मींस फ्रीलांसिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वेयर द पे इज लेस एंड द प्रोजेक्ट्स आर मिनी और माइक्रो प्रोजेक्ट्स। That is, they are easier to do, बहुत सिंपल सिंपल काम होते हैं, और इसी वजह से क्योंकि ये आसान काम होते हैं आपकी पे लेस होती है, आपको कम पैसे मिलते हैं और आपको सेंट्स में पे मिलते हैं, पे मिलती है पर प्रोजेक्ट। तो इसकी एग्जाम्पल है microworkers.com, ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको देना, नोट बना देना, इस तरह के काम। लेकिन इससे क्योंकि अर्निंग ज्यादा नहीं होगी, मगर एज अ बिगिनर आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। मगर इसके अगर आप एज अ बिगनर भी अच्छा कमाना चाहते हैं, अच्छी इनकम चाहते हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आपके स्किल्स आपको अर्न करने में हेल्प करेंगे, तो माइक्रो फ्रीलांसिंग इज अ बिग नो फॉर यू। आपने इसको नहीं चुनना बल्कि आपने मैक्रो फ्रीलांसिंग चूज करनी है। अब देखते हैं कि मैक्रो फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग ऑन वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स वेयर द पे इज मोर, द प्रोजेक्ट्स आर बिगर और मोर कॉम्प्लेक्स एंड यू गेट पेड इन डॉलर्स। तो यहाँ पर आपकी पे यूएस डॉलर्स में होती है और आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन हो गया, किसी का यूट्यूब चैनल बनाना है, कंटेंट राइटिंग हो गई, वेबसाइट क्रिएशन हो गई, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना, या फिर लाना। तो इन प्लेटफॉर्म्स की एग्जाम्पल यहाँ बहुत जरूरी है आपको देखना है। फाइवर द बेस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट फॉर बिगनर्स, और इसमें कोई दो राय ही नहीं है। उसके बाद अपवर्क मोस्ट हाई प्रोफाइल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे एक्सपर्ट्स अपनी सर्विसेज बेचते हैं और बहुत सीरियस क्लाइंट्स आते हैं, तो यहाँ पे तो फ्रॉड के चांसेस ही नहीं होते। देन फ्रीलांसर, पीपल पर आर और guru.com, ये सारे के सारे बहुत मशहूर और बहुत ज़बरदस्त फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि एज अ बिगनर आप फाइवर को चूज़ करें और अपना एम जो है वो हाई रखें और अपवर्क की तरफ जाएँ, क्योंकि अपवर्क बहुत ज्यादा चांसेस हैं अर्निंग के, और फाइवर के ऊपर भी लोग लाखों कमा रहे हैं। अब ये फाइवर, अपवर्क, guru.com, पीपल पर आर, ये सारे तो वो प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे आप हर तरह की सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, यहाँ पर वापस तीन, ये जो तीन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं ये स्पेसिफिक हैं। जैसे टॉपटेल है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐप डेवलपर्स के लिए, तो अगर आपको ऐप डेवलपमेंट आती है और आपको लगता है कि आप इस इतना अच्छा कर सकते हैं ऐप डेवलपमेंट में कि आप सीधा सीधा जो उनका एंट्री टेस्ट है, जो उनको प्रोफाइल क्रिएट करने से पहले वो टेस्ट लेते हैं ऐप डेवलपमेंट का, आप वो टेस्ट क्लियर कर सकते हैं, गो फॉर टॉप टेन।
उसके बाद जो ग्राफिक डिजाइनर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, सीधा सीधा 99 डिजाइन पे जाएं, अपना अकाउंट क्रिएट करें और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया के बादशाह बन जाएं। इसी तरह जो SEO एक्सपर्ट्स हैं, SEOclerk.com is your cup of tea, go for it, कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा SEOclerk.com पे अकाउंट बनाएं और कमाना शुरू हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ अबाउट सम इजीएस्ट प्लेटफॉर्म्स आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। नाम तो काफी सुना है, अब काम करके भी देख लेते हैं। द वन एंड ओनली फाइवर, इट इज द बेस्ट 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 फॉर बिगिनर्स, और इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई सेकंड ओपिनियन नहीं है। फाइवर जो है ये इतना आसान है, अगर आप फाइवर को सीख जाते हैं, फाइवर को समझ जाते हैं, तो फिर आप हर प्लेटफॉर्म पे आराम से फ्रीलांसिंग करके लाखों कमा सकते हैं, यकीन जानिए लाखों कमा सकते हैं जी। और इसके अलावा फाइवर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फाइवर ने अपने एल्गोरिदम को इस तरह डिजाइन किया है कि वो बिगनर्स के लिए मोस्ट सूटेड है। किस लिहाज से? फाइवर का एल्गोरिदम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास टॉप प्लेयर्स होते हैं, जो हमारे पास वो बेहतरीन जिनके ऑर्डर्स हैं, जो वेल रैंक्ड लोग हैं, जो बहुत एस्टेब्लिश्ड फ्रीलांसर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को पहले पेज पे नहीं शो करता, बल्कि बिगनर्स विद जीरो ऑर्डर्स, बिल्कुल सही सुना, बिगनर्स विद जीरो ऑर्डर्स, जिनको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं मिला उनके गिग पे, उनको भी पहले पेज पे रैंक करवाता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। यही फाइवर की सबसे बड़ी खसूसियत है, जो कि इसको बिगनर्स के लिए खास तौर पे वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनाती है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ईजीएस्ट टू हार्डेस्ट फॉर द बिगनर्स, तो फाइवर के बाद पीपल पर आर है, SEO Marketplace है, 99 Designs हैं और Upwork है। Upwork जो है वो आपके वहाँ पर बहुत सीरियस किस्म के क्लाइंट्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सीरियस लोग होते हैं, सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, वहाँ पे कोई भी एरर वगैरह नहीं होता, जो भी बात होती है वो सब, क्योंकि वो ऑथेंटिक लोग होते हैं, ऑथेंटिकेट किया जाता है कि क्या उनके पास स्किल्स हैं। Upwork के ऊपर आपका प्रोफाइल क्रिएशन भी एक खासा लेंथी प्रोसीजर होता है, क्योंकि आपको ऑथेंटिकेट करनी पड़ती है हर चीज़। तो Upwork आपको कुछ एक्सपीरियंस फाइवर से एक साल का, 6 महीने का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद आपको अपवर्क पे जाना चाहिए, क्योंकि अपवर्क पे बहुत सीरियस लोग होते हैं और वहाँ पे कोई भी मतलब हाई प्रोफाइल किस्म के लोग होते हैं, इस वजह से ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो आपका एम अपवर्क होना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता ये होना चाहिए सबसे पहले आप फाइवर से शुरू करें। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में फाइवर से ही बात करेंगे, फाइवर तो अब हम बात करेंगे फाइवर की गिग क्रिएशन की और फ्रीलांसिंग कैसे शुरू करनी है फाइवर की। तब के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मोटिवेटेड रहिए, आपके आपके वीडियो देख के कुछ और सीखें, फाइवर पे गिग बनाना सीखें और अपना काम शुरू करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।